हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू एवी शर्माज व्लॉग। और आज का व्लॉग है, आज का वीडियो है मेरे रूम का। तो जिन लोगों ने मेरा होम टूर वाला वीडियो नहीं देखा है पहले, तो वो जाके देखिए, वो नीचे कुछ या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप वहाँ जाके देख लेना। और नहीं डाला तो वीडियोज में जाके देख लेना, थोड़ा स्क्रॉल कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, जाके देख लो मेरा घर। ओके, तो घर का वीडियो मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ और मैंने रूम भी दिखाया था, बट रूम में उस टाइम जब मैंने दिखाया था तो ये लगा हुआ था, ये लगाते हुए दिखाया था ये वाला वॉल का, सिर्फ इतना हमने डेकोरेशन वाला एक वीडियो बनाया था थोड़ा, जब हम अपना रूम को डेकोर कर रहे थे। तो ये एरिया हमारे रूम का जो है वो खाली है, तो ये वाला जैसे कि गुरु 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 खाली एरिया दिखा दे, ये पूरा एरिया खाली, ये पूरा एरिया से खाली है और इतना ही हमने बनाया था। तो आज यहाँ पे कुछ अतरंगी होने वाला है, तो थोड़ा सा बैक करके मैं एक बार अपना रूम दिखा देती हूँ आपको कैसा है। यहाँ से एंट्री की, एंट्री करते ही यहाँ है मेरा बेड, मतलब नानू और मेरा, नानू और मैं एक ही रूम में रहते हैं, तो ये है हमारा बेड। और दूसरा रूम भी आपको पता है, हमारे पास एक और रूम है जो मम्मी आती हैं, दीदी आती हैं, या फिर फ्रेंड्स आते हैं, या फिर हम लोग कभी उधर रूम में सो जाते हैं। बट बेसिकली ये वाला रूम हमारा, जो हमने अच्छा कोजी सा अच्छा सा रूम बनाया, वो ये वाला रूम है। तो ये बेड के साथ मेरे नानू और मेरा फोटो वाला, मेरा हमारा पिलो विद हमारे ऑस्कर के साथ, ढोलो इज हियर, तो प्लस मेरे दो तीन टेडीज, उसका नाम है चिंकी मिंकी, वो है लेमो, ये है चिंटू, तो ये लोग भी यहाँ पे हैं। और ये भी, ये फोटोज भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो ये वही फोटोज है, अभी इनमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। ये एक लाइट यहाँ पे लगाई है हमने जो रात के लिए है, तो अगर हम लाइट्स ऑफ करेंगे तो ये लाइट ऐसे दिखता है। इधर है ये हमारे कर्टेन्स, एंट्री करेंगे तो यहाँ पे है हमारे कबर्ड्स, ये कबर्ड्स भी मैंने आपको दिखाए थे, और फिर कोई बात नहीं, वो उनको पता ही है, उन्होंने दिखाया। फिर है हमारा ये वाला वॉल, और ये एरिया बहुत ज़्यादा खाली लग रहा है, तो इस एरिया के लिए हमने कुछ सामान मंगाया, तो जल्दी से वो सामान हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ का डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ का जो हमने अभी सोचा है कि कैसा करने वाले हैं, तो वो यहाँ पे दिखा देते हैं। प्लस हमने मंगाए हैं कुछ प्लांट्स, वो है यहाँ पे, तो ये प्लांट से डेकोरेशन होने वाला है, क्योंकि ये थीम हमने रूम का कुछ ऐसा ग्रीनरी रखा है, तो हमने सोचा था प्लांट्स ही रखेंगे अंदर रूम में। और प्लांट्स एक्चुअली अच्छे होते हैं, नाइट में ऑक्सीजन भी, मतलब दिन और रात में ऑक्सीजन देते हैं। तो कुछ कुछ भी, कुछ मनी प्लांट है, कुछ कैक्टस है जो एक्चुअली बहुत प्यारे लग रहे थे, वो लिपस्टिक प्लांट है, ये बॉन्जाय है, ये एंजॉय है, ये लक्ष्मी कमल है, दैट इज सक्यूलेंट स्नेक कैक्टस, तो थ्री टाइप्स ऑफ कैक्टस है, मैं भी बता दूंगी कौन से। तो ये प्लांट्स हैं जो हम इस साइड पे उस वाले वॉल के अकॉर्डिंग डेकोरेट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट डेकोरेटिंग माय रूम। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वॉल पे हमने ऑलरेडी ये स्टैंड लगा दिया है जहाँ पे मैं अपने प्लांट्स रखने वाली हूँ, और प्लस एक ये स्टैंड है जो है वुडन स्टैंड, ये है आयरन या स्टील का स्टैंड, जो मुझे नहीं पता क्या है, ये है हमारा वुडन स्टैंड जिसको हम यहाँ पे ऐसे डेकोरेशन के लिए रखने वाले हैं। और यहाँ पे होने वाले हैं अलग 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 प्लांट्स, तो यहाँ वाले प्लांट्स और यहाँ वाले प्लांट्स अभी हम लगा देते हैं, तो देखिए आप कैसे कैसे लगा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट्स को रखना, तो स्टार्ट करेंगे हमारे ऊपर वाले प्लांट्स के साथ, नीचे वाले प्लांट्स के साथ। तो पहले हम इस वाले पे रखेंगे, तो इसके लिए हमने स्पेशली हमने कुछ कुछ प्लांट्स लिए जो इसके ऊपर अच्छे लगने वाले हैं, तो पहले मैं रख देती हूँ, उसके बाद में इनके बारे में बताएंगे, दिखा कर बच्चे। Gracias.
ओके तो यहाँ का एरिया हमारा हो चुका है सेट। तो ये है मेरे प्लांट्स जो मैंने मंगाया है, और जल्दी से पास से आके सारे प्लांट्स के बारे में मैं बता देती हूँ, उनका नाम बता देती हूँ। तो दिस वन इज लिपस्टिक प्लांट, ये है नाम क्या? लिपस्टिक। अच्छा वैसे नाम तो बताते okay. चलो ये है वैसे लिपस्टिक प्लांट, इसका नाम है, हमने जो रखा है इसका नाम है पीकू। ये है बैम्बू और ये भी बैम्बू है, दो बैम्बूज है हमारे पास। तो इसका नाम है बैम बैम, इसका नाम है बूबू जो हमने रखा है। तो दिस इज वन टाइप ऑफ कैक्टस, इसका नाम है कैड। ये है हमारा बॉन्जाई प्लांट, तो इसका नाम रखा है हमने बॉन्जी। ये है हमारा मनी प्लांट, तो इसका नाम है हनी मनी। दिस इज सक्यूलेंट, इसका नाम है टिनटिन। वो है बनी कैक्टस, तो उसका नाम हमने बनी ही रखा है। और ये है हमारा लक्ष्मी कमल, तो ये भगवान जी का एक्चुअली प्लांट होता है, तो इसका हमने कोई ऐसा स्पेसिफिकली नाम नहीं रखा है, तो ये भगवान जी के नाम के लिए तो ऐसे ही छोड़ा है हमने इसको। और ये हमारा ओशो। ओशो ओशो क्या हो रहा है? स्माइल। ओके ओके यहाँ पे भी हमने कुछ प्लांट्स रखे, भी दिखा देते हैं। हाँ जी ओके तो ये तीन प्लांट्स हमने इधर रखे हैं, ये एक अलग एरिया है रूम का। तो ये है स्नेक प्लांट, इसका नाम स्नेकी। इसकी है हमारा फॉरेस्ट एरिया, हमने थोड़ा बनाने की ट्राई कर रहे थे, तो इसका नाम है हमने फॉरेस्टी रखा है। दिस इज ऑरेंज कैक्टस, इसका नाम है ऑरेंजी। और ये है हमारा एंजॉय प्लांट जो हमारे अभी टेबल पे जाएगा, तो इसका नाम है जॉय। और अब ये खाली एरिया में हम रखने वाले हैं टेबल और चेयर, जो हमने स्पेशली अपना एक ये एरिया इसलिए ऐसा बनाया कि वीडियो शूट कर सके, प्लस बैठ के शांति से खाना खा सके क्या। और हमारा झोलू वहाँ पे ना नीचे छुप जाता है, ऐसे सो जाता है टेबल के नीचे। तो हमने ये एरिया ऐसे ही बनाया है यहाँ पे कि हम यहाँ पे बैठ के खाना खा सके आराम से, और शूट वूट कर सके, और किस लिए बनाया है, और आप लोग को एंटरटेन करने के लिए, और आप देखे सीखे रूम में ऐसी चीजें भी हो सकती है। इतने छोटे से रूम में हमने बहुत कुछ कर लिया है, और आप देखोगे ना, और ऐसा हॉच पॉच भी नहीं लगता है हमारा रूम, बट वो छोटे से रूम में मैंने, मतलब एक छोटे से घर में मैंने बहुत सारी चीजें बना ली हैं। और ये मेरा शायद पहला ऐसा घर है जिसमें मैंने इतने अच्छे अच्छी चीजें रखी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अब यहाँ का, आपको ना बोर करते हुए यहाँ का आगे का चीजें जो है वो लेके आ जाते हैं फटाक से। ओके तो यहाँ पे रखने के लिए हमने लिए हैं दो चेयर, और ढोल को भी लिया है हमने, ढोल को प्ले करना है इसको। ओके तो हमने लिए हैं दो चेयर, तो दो चेयर जा रहे हैं यहाँ एरिया में। नानू और मेरे लिए, दूसरा घर में इतनी जगह भी नहीं कि हम चार का सेट ले लें, तो इसलिए हमने दो चेयर प्लस टेबल, दो चेयर ये इधर हुई, ये वो बेड का सेक्शन, ये बन गए चार का सेक्शन। हाँ एक्चुअली हम बैठते ऐसे हैं क्योंकि स्मृति भी आ जाती है खाने खाने इधर, तो एक ही चेयर इधर होता है, एक चेयर इधर होता है, एक बेड इधर होता है, तो हम तीनों ऐसे बैठ के इधर खाना खाते हैं। ओके तो ये है हमारा टेबल चेयर वाला सेक्शन। अब इसके ऊपर के लिए हमने मैट काम किया, इसका टेबल मैट किचन में वो देख सामने पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हमने ले लिया है एक टेबल मैट, इस पे जाएगा हमारा जॉय, जॉय के साथ साथ इस पे जाएंगे दो कैंडल्स, कैंडल्स के बाद एक ये मैं लेके आई थी इसलिए हमने इसको यहीं रख दिया, ये है BTS का कुछ कोई तो एक कैरेक्टर, तो वो यहाँ, ये रहे यहाँ के स्टोन्स। और ये यहाँ पे हमने कुछ स्टोन्स रखे थे इसके साथ, वो थोड़ा ऐसा लुक देने के लिए, क्योंकि सारा एरिया ऐसा ही है प्लांट्स वाला। आशु हाय। तो ये हुआ यहाँ का सेटअप कंप्लीट। एक्चुअली एक कमी है क्योंकि यहाँ के लिए मेरे को एक मैट चाहिए था, वो यहाँ तक रहता, और ये पूरा एरिया पूरे मैट पे रहता, जो सॉफ्ट वाले कारपेट्स आते हैं ना वो वाला चाहिए था मुझे, जैसे मेरे कुशन्स हैं जो मैं कुशन्स यहाँ पे रखने वाली हूँ। पास ऑन कर दो ये कुशन, दूसरा भी। तो ये दो कुशन है जो यहाँ पे चेयर पे रहते हैं ऐसे। नाउ इट्स कंप्लीट।
बस एक चीज की कमी है जो कारपेट यहाँ पे, एक्चुअली हमने मंगवाया था उसका क्वालिटी अच्छा नहीं आया, वो अमेजोन से मंगवाया था तो वो फोटो में बहुत अच्छा दिख रहा था लेकिन जब लाइव लिया तो वो समझ नहीं आया मेरे को, तो हमने रिटर्न करा दिया। अब देखते हैं कब हम मंगाएंगे, अगर मंगाया तो ठीक है, नहीं मंगाया तो ऐसे भी अच्छा लग रहा है एनीवेज। तो वैसे मैं ऐसा ही कुछ ब्राउन कलर का ही कारपेट ढूंढ रही हूँ यहाँ के लिए, और ऐसा ही परी वाला कि यहाँ पे हम नीचे पूरा यहाँ तक एरिया में आ जाए। कितना साइज था उसका? 4x6। 4x6। अगर आप लोगों को कहीं ऐसा कारपेट मिले तो मुझे जरूर बता देना, तो हम यहाँ के लिए बाय कर 4x5 साइज। ओके, तो ये हुआ यहाँ का सेटअप कम्प्लीट। और अब एक बार पूरा ओवरव्यू मैं आपको हमारे रूम का दिखा देती हूँ। मेरा सेटअप हो गया है कंप्लीट और यहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा फैला हुआ है तो ये मिटा देते हैं जल्दी से। तो मैं वापस से एक बार अपना रूम दिखा देती हूँ। जो हमने रूम यहाँ पे फाइनली जो फाइनल लुक हुआ हमारे रूम का वो ऐसा है। यहाँ से घुसे मतलब एंटर किया हमने रूम में तो यहाँ है हमारा बेड विद हमारे सॉफ्ट टॉयज, हमारी फोटोज, प्लस यहाँ पे ये लाइट, ये हमारे कबर्ड्स। और हमारा घर बहुत छोटा है तो वॉशिंग मशीन की जगह नहीं है, तो हमने वॉशिंग मशीन यहाँ रखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे उस साइड में किचन है तो किचन के एरिया से पानी चला जाता है। तो ये है हमारा ये एरिया, और इस एरिया में ऊपर है हमारे कुछ प्लांट्स एंड द फाइनल वन। सो वो है ये एरिया जो हो चुका है रेडी। यहाँ पे हम जरूर अब एक वीडियो बनाएंगे अपने डिनर का, जैसे हम डिनर या फिर कॉफी के लिए बैठे होंगे, कॉफी डेट काइंड ऑफ। तो लाइट्स ऑफ करके दिखाया जाए कि कैसा लग रहा है ये रूम। So guys, please, मेरा ये आइडिया कैसा लगा आप लोगों को, और आप अगर अपना घर भी रेनोवेट करना रूम या रूम रेनोवेट करना चाहते हो या फिर घर में ऐसी चीजें कुछ लगाना चाहते हो और आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज कमेंट बॉक्स कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आपको ये एरिया मेरे रूम का कैसा लगा। हाँ, और क्या, बस डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर लो, शेयर कर दो, और प्लीज मेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब करवाएं मेरा चैनल, एंड इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लो, सब जगह फॉलो वॉलो कर लो, बस हो गया अभी। तो इतनी मेरे प्यारी से मेहनत, वही मेरा एरिया। बाय बाय। बस इतना खत्म कर दूँ।